अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो SSC MTS के जो फॉर्म है वो लग रहे हैं अभी, तो आपको क्या करना है, आपको सरकारी उजाला में जाके यहाँ पे नीचे जाना है, टॉप ऑनलाइन फॉर्म्स में इसी में कहीं ढूंढना है कि MTS कहाँ पे है। तो यहाँ पे ये देखिए, इसकी लास्ट डेट जो है 21/7 को है, 30/6 को ये ओपन हुए थे, 21/7 को लास्ट डेट है। फीस की जो लास्ट डेट है वो 22/7 को है। फी पे लास्ट डेट जो है ऑफलाइन जो है वो 23/7 को है। करप्शन जो है 26-28 कर सकते हैं, और एग्ज़ाम डेट जो है वो 1 से 29 सितंबर तक हो सकती है। तो आपने क्या करना है, अगर किसी को रजिस्ट्रेशन किया है तो उसने सिंपली यहाँ पर लॉग इन पर करना है। अगर जिसको रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो यहाँ पर जाके रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेगा। रजिस्ट्रेशन क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यस करना है, यहाँ पे अपना आधार नंबर वगैरह नोट करना है, यहाँ पे नेम तो वेरीफाई अपना नाम करना है, फादर्स नेम वेरीफाई, मदर नेम वेरीफाई, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद फिर से मेट्रिकुलेशन, एग्जामिनेशन, क्लास 10 डिटेल्स यहाँ पे का वेरीफाई, बोर्ड है जो रोल नंबर लिखना है, वेरीफाई रोल नंबर, वी आर ऑफ पासिंग, वी आर ऑफ जेंडर क्या है, मेल फीमेल जो भी है, लेवल ऑफ एजुकेशन कहाँ तक आपने पढ़ाई की है, मोबाइल नंबर वेरीफाई, ईमेल आईडी, और उसके बाद आपको यहाँ पे सेव करना है। सेव करने के बाद आपको कॉन्टैक्ट एडिशनल कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है, उसके बाद डिक्लेरेशन आ जाएगी। अब जिसको रजिस्ट्रेशन की है वो सिंपली यहाँ पर जाकर लॉग इन पर क्लिक करेगा। लॉग इन पर क्लिक करने के बाद आगे खुलेगा। उसने लॉग इन पर क्लिक करने के बाद आगे उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, पासवर्ड है वो लगाना है। उसके बाद वहाँ पे आगे जाना है फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो वहाँ पे वो अपना फॉर्म फिलअप कर सकता है। इसमें मेल जो जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं उनको 100 रुपीज़ जो है वो फी पे करनी है, और जो मतलब SC ST वगैरह फीमेल है उनको बिल्कुल 0 रुपीज़। और बिल्कुल ये आपको मैं बताता हूँ कि ये टेंथ जिसको 10th पास है वो भर सकता है, क्योंकि ये जो है वो 10th पास जॉब है।